हेलो विवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रिक, माय सेल्फ सोनम जैन और आज हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यू यानी कि आपका हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के बारे में जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो है बीकॉम, बीए, बीएससी एंड बीएचसी, बीसीए इन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ईयर कर रहे हैं अभी और एटीन टू नाइनटीन से जो सेशन है आपका उसमें एडमिशन लिया हुआ है तो ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पेपर होगा आपका थर्टी मार्क्स का और जो हमारे स्वाध्याय यानी कि जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर होगा थर्टी फाइव मार्क्स का साथ ही साथ में मैं एक और चीज बता देती हूँ कि जो पेपर का पैटर्न है आपका थ्री सेक्शन में पेपर आएगा और इन थ्री सेक्शन में आपके सेक्शन होंगे ए बी और सी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं साथ साथ में पार्ट ए में फाइव क्वेश्चन आएंगे वन मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो कितने मार्क्स हो गए आपके फाइव मार्क्स फिर सेक्शन बी सेक्शन बी।, बी में थ्री क्वेश्चन आएंगे और होंगे आपके थ्री मार्क्स के तो थ्री इंटू थ्री यानी वो हो गए आपके नाइन मार्क्स साथ ही साथ में जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें फोर क्वेश्चन आएंगे फोर मार्क्स का यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका फोर मार्क्स का राइट right? तो ये हो गया आपके सिक्सटीन माइक तो टोटल कितने हो गए आपके थर्टी तो इस टाइप से आपको पता चला जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनको इस प्रकार से तैयारी करनी है साथ ही साथ में हमारे जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी जो सेक्शन ए होगा वो तो होगा वन इंटू फाइव यानी कि फाइव मार्क्स सेक्शन जो बी है आपका वो होगा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व यानी कि यहाँ पर जो थ्री क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा आपका फोर तो थ्री इंटू फोर यानी कितना हो गया ट्वेल्व सेक्शन सी फोर इंटू फोर पॉइंट फाइव कितना हमारा मार्क्स का तो ये तो ये हुआ आपका पेपर का पैटर्न और साथ ही साथ में जो सिलेबस है वो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यानी कि जो सिलेबस है हमारा वही अदर जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो फाइव यूनिट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप सब देख पा रहे हैं फाइव यूनिट है यानी कि आपका जो हिंदी भाषा की फोर और नैतिक मूल्य का एक चैप्टर है यानी कि आपको ही रहा है यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो आप स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर की सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न तो आप देख ही चुके हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं सैंपल पेपर बोल सकते हैं आप और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और ये पास होने की वन हंड्रेड परसेंट गारंटी है साथ ही मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जैसे बी ए बी कॉम बी एस सी बी एच सी और बी सी ए इन सभी के जो पेपर हैं वो अलग अलग टाइमिंग में होते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारी एग्जाम है अभी और अगर एक तारीख के दिन बी ए का पेपर है तो दो से तीन तारीख के दिन बी एस सी का पेपर होगा फिर बी कॉम का पेपर होगा एक दो दिन के डिस्टेंस पे ठीक है तब मान लीजिए आपका बीए का पेपर हो गया है तो आप एक बार वो जो पेपर हुआ है उसको देखें साथ ही साथ में वो पेपर उन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो पहले इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में से उन क्वेश्चन को माइनस करके जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर कंसीडर करें ठीक है और कुछ बीए के पेपर में से एक या दो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी बनी हुई रहती है तो आप एक बार वो क्वेश्चन भी कर लें साथ साथ ही में ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस इस बार थोड़े ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमें बी कॉम बी ए बी एस सी और आपका बी सी ए और बी एस सी इन सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है ठीक है बट केवल और केवल आप यही क्वेश्चन कर कर लेंगे तो पास होने की वन हंड्रेड एंड वन परसेंट गारंटी है साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि अगर आप पूरा सिलेबस करते हैं सब कुछ याद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि आप टॉप क्लास में आ जाएंगे बट किसी कारण से आप मान लीजिए स्वाध्याय विद्यार्थी हैं या रेगुलर विद्यार्थी भी हैं पर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को कीजिए तो आप कम से कम अच्छे नंबर से तो पास हो ही जाएंगे और जैसा कि अगर आप पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपने जो फर्स्ट ईयर किया होगा तब भी हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपने देखा ही होगा जो मैंने दिया था आप लोगों को तो काफी बेनिफिशियल रहा ही होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं चलिए अब हम बहुत बातें हो गई हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट और अभी जो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया है कि वन इंटू फाइव मार्क्स वाला तो आप सोचेंगे मैडम ने तो सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिए तो आजकल क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव की जगह जो वन वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे पहला ही दिया मैंने कि निराला की रचनाओं के नाम लिखिए तो अब निराला जी की जो रचनाएं हैं यहाँ पर एक या दो तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैंने डिवाइडेशन नहीं किया है और डायरेक्टली क्वेश्चन दिए अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर जो है टू वो आवाज आती है आपकी यूनिट नंबर थर्ड जो आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दिख रहा है स्पेक्ट्रम क्या है इसकी खोज किसने की आ, ये क्वेश्चन छूट गया है तो आप इसको पूरा कर लीजिए कि इसकी खोज किसने की अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फोर पर फोर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम में आए हैं और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब द सुपर केमिस्ट्री ट्रिक और उसका रीजन तो आप जानते ही हैं क्योंकि इस जो चैनल है इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है चाहे आप बी कॉम के हैं चाहे बी एस सी के हैं चाहे आप बी ए के हैं सभी के अवेलेबल होते हैं साथ ही साथ में ओल्ड पेपर भी अवेलेबल होते हैं और सिलेबस भी लगभग लगभग सभी विषय का इस पर दिया जाता है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और साथ ही साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप उस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको लग रहा है वीडियो में कमी है वीडियो अच्छी नहीं है हमें तो कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे हैं हमें तो ये तरीका पसंद नहीं है तो आप बेहिजक वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आप लोगों के काम आ रहा है और ये यहाँ पर कोई आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं तो आप आपका ओपिनियन बिल्कुल खुल कर दीजिए पसंद है तो लाइक like, ना पसंद है तो डिसलाइक डोंट वरी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको लाइक like करते हैं जो नहीं लगती उसको बिल्कुल बकायदा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है किसी भी विषय का सिलेबस चाहिए होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है पढ़ाई संबंधी तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो समस्या है उसका सोल्यूशन आसानी से पा सकते हैं और इस चैनल के ऊपर अभी तो आप लोग हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो कुछ ही समय बाद में जो आपका हिस्ट्री जियोग्राफी साथ ही साथ में जो जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने जो आपको बीए बीकॉम बीएससी में फर्स्ट ईयर में जो अवेलेबल करवाए थे वही आपको सेकंड ईयर में अवेलेबल होंगे साथ ही साथ में हो सकता है इससे भी ज़्यादा मॉडल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकेंगे इसलिए इन सभी बातों की जानकारी को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे चलिए बहुत बातें हो गई हम वापस से चलते हैं हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे फिर भी एक बार देख लीजिए अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फाइव साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात और बताना चाहूँगी कि जब आप वीडियो देख लेते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और पेपर होने के बाद में मुझे फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते हैं और ना ही वीडियो पे लाइक्स आ पाते हैं तो मुझे लगता है शायद मेरा जो वीडियो दिया गया है वो बेनिफिशियल नहीं है आप लोगों को काम का नहीं है यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी वीडियोज को बहुत देखा बहुत अच्छी बात है आपको काम भी आई बट आपने मुझे फीडबैक नहीं दिया तो प्लीज़ मैं इस बार बोलना चाहूँगी मुझे फीडबैक जरूर दें जब भी आप पेपर दे के आए तो मुझे बताएं कि हाँ मेरे मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पेपर आए हैं या नहीं आए तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना अगर हो सकता है नहीं आते हैं या हो सकता आते हैं तो मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप कम समय में भी अच्छे नंबर सॉरी कम समय में अच्छा पढ़कर अच्छे नंबर से पास हो जाएं तो इस बार मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइक आए कम से कम फाइव हंड्रेड इस वीडियो के ऊपर आएंगे तभी मैं अगला नेक्स्ट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है हमारा बी ए बी एस सी और बी कॉम यानी कि बी ए में हमारा हिस्ट्री है जियोग्राफी है इसके अलावा सोशोलॉजी है इसके अलावा अगर हम हिंदी साहित्य की बात कर लें बी एस सी में हमारे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स और इस बार मैंने मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड कर दिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर तो 500 लाइक्स जब इस पेपर के ऊपर जल्दी से आ जाएंगे इस वीडियो के ऊपर तब मैं नेक्स्ट जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ आप इसको देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो बिल्कुल आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दूपर केमेस्ट्री ट्रिक थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम Thank you.